नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक ऐसी खबर जो हम सबको हैरान कर रही है, एक ऐसी खबर जो हम सबको परेशान कर रही है। क्या है वो खबरें और क्यों इनको लेकर, इस चीज को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं? क्या इसकी वजह से कोई बड़ी बात है? चलिए दर्शकों, आपको पूरा मामला बारीक से समझा देते हैं। वो मामला लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव के पहले ही समाजवादियों के इस फैसले ने बड़ी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। क्या है, अखिलेश के भी टेंशन बढ़ा दी है, जरा समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी से बागी हुए नेताओं ने अपना एक अलग मोर्चा बना लिया है, जिसका नाम स्वाभिमान समाजवादी पार्टी मोर्चा रखा है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर को लखनऊ से होगी। बागी नेताओं का कहना है कि इसके बैनर तले सपा से बागी और नाराज नेताओं को इस मंच से जोड़ा जाएगा। सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, युवजन सपा के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता पीडी तिवारी पार्टी से निष्कासित होने के बाद स्वाभिमान समाजवादी पार्टी मोर्चा का गठन किया गया है। इसे सियासी दल के रूप में मान्यता लेने का भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेताओं ने दावा किया है कि पिछले 10 दिन में उन्होंने करीब 50 से ज़्यादा जिलों का दौरा कर पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं से बातचीत की है। 10 सितंबर को लखनऊ के विश्वेश्वरैया हाल में प्रदेश भर के नेताओं, समाजवादी पार्टी चिंतक शिरकत करेंगे। इसमें समाजवादी पार्टी विचारधारा को बचाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर मंथन भी किया जाएगा। ये वाकई में, अगर ऐसा है, ये जो आरोप लग रहे हैं अगर सही है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इसे ये कैसे निपटेंगे, ये तो और भी बड़ा इनके लिए चुनौती है, क्योंकि चुनाव है, घोसी में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। इससे पहले इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं उनके लिए परेशान कर रही हैं। अखिलेश यादव का इस पर क्या रणनीति रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज़।